बहुत लोग प्रे कर रहे थे, बहुत लोग प्रे कर रहे थे कि आज जो है कम से कम बाबर आजम हार जाए ना तो जम के बुराई करेंगे, जम के बुराई करेंगे, ऐसा बहुत सारे यूट्यूबर पाकिस्तान के थे। लेकिन मैं बताऊं सच में यार, हार्ट अटैक अगर इस तरीके के मुकाबले और हो जाए ना, मेरे को तो हार्ट अटैक आ जाएगा भाई, मेरे को तो भैया पेशावर जलमी ने उड़ा कर रख दिया लाहौर कलंदर्स को। मेरी फेवरेट टीम है इस टूर्नामेंट में लाहौर कलंदर्स, लेकिन बर्बाद करके रख दिया यार। मतलब लाहौर की खासियत ही बॉलिंग थी, लेकिन पेशावर के बैटर ने जो है लाहौर की बॉलिंग की। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान सुपर लीग के दो जबरदस्त मुकाबले खेले गए। पहला मुकाबला पेशावर जलमी वर्सेज लाहौर कलंदर था, जबकि दूसरा मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेज मुल्तान सुल्तान था। ये वो चारों टीमें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग की टॉप फोर में हैं, और अगले राउंड में भी इन्हीं चार टीमों ने जाकर एक दूसरे से मुकाबला करना है। इस वीडियो में आपको पहले मैच के बारे में बताते हुए जो शानदार कारनामा बाबर आजम और उसकी प्लेइंग 11 ने लाहौर कलंदर के खिलाफ किया है उसके बारे में भारतीय मीडिया का तबसरा भी सुनाएंगे, और साथ ही साथ पाकिस्तान में चंद लोग ऐसे जरूर मौजूद हैं जिनके बारे में भारतीय बजा फरमाते हैं कि ये अपनों की ही टांगे खींचने में मसरूफ है। अब कल जबरदस्त इनिंग खेली बाबर आजम ने, और बाबर आजम का एक अपना स्टाइल है, वो स्ट्राइक रेट की परवाह नहीं करते। कल भी वो तकरीबन 120-125 के स्ट्राइक रेट पर खेलते रहे और उन्होंने एक अच्छी शानदार 50 स्कोर की, जबकि उनके साथ ओपनिंग करने के लिए साइम अयूब आए, जो कि एक जबरदस्त टैलेंट पाकिस्तान सुपर लीग ने प्रोड्यूस किया है। उन्होंने 36 गेंदों पर 68 रन स्कोर किए, जबकि बाबर आजम उनके साथ 41 गेंदों पर 50 रन स्कोर कर सके। लेकिन इन दोनों की ही बदौलत टीम का स्कोर 19.3 ओवर्स में 207 रन तक पहुंचा। आखिर में यके बाद डिग्री अगर पेशावर जलमी की विकेट्स ना गिरती तो ये प्रेडिक्शन थी कि पेशावर जलमी का स्कोर 225-30 तक पहुंच सकता है, जबकि उसके मुकाबले में लाहौर कलंदर 172 पर पूरी टीम आउट हुई। शाहिनशाह अफरीदी, हुसैन तलत और सिकंदर रजा ने एक अच्छी इनिंग खेली। अब बात करते हैं बाबर आजम के पाकिस्तान में मुखालिफिन की। अब आपके सामने जो ट्वीट चल रही है, ये पाकिस्तान के सो कॉल्ड सहाफी हैं एआरवाई से जिनका ताल्लुक है शोएब जट साहब, स्पोर्ट्स एंकरिंग भी करते हैं, लेकिन अपने हर बयान में बाबर आजम की मुखालफत करते नजर आते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बाबर आजम से जो घटिया सवाल पूछने वाला सहाफी है वो यही शोएब जट है। गुज़श्ता मैच में पेशावर जलमी की जीत के बाद मा सवाए अब अपनी ट्वीट में पेशावर जलमी की जीत के बाद वो बाबर आजम और उनकी प्लेइंग 11 को मुबारकबाद देने के बजाय ये लिखते हैं, इजंट नीड टू इंप्रूव स्ट्राइक रेट, पीएसएल 75 मैच स्ट्राइक रेट 121, 3355 इंटरनेशनल टी20 रन्स ऑन 2625 बॉल्स, 2641 पीएसएल रन्स ऑन 2172 बॉल्स। बाबर स्ट्राइक रेट बढ़ाएगा तो पाकिस्तान को फायदा होगा। जबकि इसके मुकाबले में अगर आप भारतीय सहाफियों की ट्वीट्स बाबर आजम की इनिंग के बारे में देखें कल के ही मैच के बारे में, तो वो कुछ इस तरह लिखते नजर आते हैं कि इफ यू हैव साइम अयूब हारिस कैडमो टू बैट अलोंग with why will you take risk, take a single and get strike to them, this is what Babar Azam is doing right now, playing an anchor roles। यानी कल की इनिंग के बाद इसी शुएब जट को भारतीय सहाफी बिक्रम प्रताप सिंह ने जवाब दिया है कि अगर तुम्हारी प्लेइंग 11 में साइम अयूब हो, हारिस हो, कैडमोर हो, तो फिर तुम्हें रिस्क लेने की जरूरत नहीं, इसी तरह तुमने स्ट्राइक रोटेट करके उन्हें मौका देना है, और यही सब कुछ गुज़श्ता रोज बाबर आजम ने किया। लेकिन न जाने क्यों चंद पाकिस्तानी सहाफियों को इस तरह की तकलीफ पहुंचती है। अब ये वो चंद बातें हैं जिनका जिक्र भारतीय सहाफी अपने प्रोग्राम्स में भी करते नजर आए हैं, और आइए आपको वही सब सुनाते हैं कि बाबर आजम से न जाने चंद पाकिस्तानी सीनियर प्लेयर्स या फिर चंद सहाफियों को इतनी तकलीफ क्यों है। अगर आपके पास इसका जवाब है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आइए आपको भारतीय सहाफी का बाबर आजम और उनकी टीम की कारकर्दगी पर तबसरा सुनाते हैं। तो भैया पेशावर जलमी ने उड़ा कर रख दिया लाहौर कलंदर्स को। मेरी फेवरेट टीम है इस टूर्नामेंट में लाहौर कलंदर्स, लेकिन बर्बाद करके रख दिया यार। मतलब लाहौर की खासियत ही बॉलिंग थी, लेकिन पेशावर के बैटर ने जो है लाहौर की बॉलिंग की। बहुत लोग प्रे कर रहे थे, बहुत लोग प्रे कर रहे थे कि आज जो है कम से कम बाबर आजम हार जाए ना तो जम के बुराई करेंगे, जम के बुराई करेंगे, ऐसा बहुत सारे यूट्यूबर पाकिस्तान के थे। लेकिन मैं बताऊं सच में यार, हार्ट अटैक अगर इस तरीके के मुकाबले और हो जाए ना, मेरे को तो हार्ट अटैक आ जाएगा भाई, मेरे को धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं। और ट्रू पोटेंशियल पे आज पेशावर जलमी की टीम खेली है। वो आप रियाज भी यार फॉर्म में आए, दो विकेट तरातर ऊपर से लिए और जान निकाल के रख दी लाहौर की। लाहौर की बैटिंग भी शुरुआती टॉप ऑर्डर तो बिल्कुल ही फेल हो गया, और पेशावर की बैटिंग की क्या तारीफ करूं यार। बाबर आजम एक तरफ से एंकर बन के खेलते रहे, उनके इर्द गिर्द पहले जो है साइम अयूब, यार ये लड़का नेक्स्ट बिग थिंग है। साइम अयूब, फिर हैरिस और उसके बाद कार्डमोर।
इन तीनों ने तो बढ़िया उधेर के रख दी यार, मार मार के भुर्ता बना दिया। आज बाबर आजम की जीत नहीं हुई है, वासे हबीब की, आज इफ्फी राजा की। और जो लोग बाबर आजम को ट्रोल करते सालों, सुधर जाओ बाबर आजम, इस साल पीएसएल जीतने वाला, सुधर जाओ। सबको आज नींद नहीं आने वाली, नींद उड़ा दिया है। इतनी घटिया गेंदबाजी होने के बाद भी ब्रो, इतनी घटिया गेंदबाजी होने के बाद भी बाबर आजम की टीम जो है ना वो जीत रही है भाई, इसमें मैं सल्यूट करता हूँ यार। अगर इनके पास अच्छी गेंदबाजी आ जाए ना भाई, पीएसएल जीत लेगा ये बंदा, पीएसएल जीत। जबरदस्त बल्लेबाजी की है, हालांकि लास्ट में जो है पेशावर की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं रही, 200 के आसपास ही रुक गई। मुझे लग रहा था कि कहीं इस मैच में पेशावर 240 245 रन का स्कोर ना बना दे, लेकिन बहुत अच्छी बैटिंग की पेशावर ने और वेल डिजर्विंग जीत है पेशावर की ये। और इस जीत के साथ जो है पेशावर ने अपना जो है प्ले ऑफ पोजिशन जो है ऑलमोस्ट सिक्योर कर लिया है, और बाकी टीमों के लिए बहुत खतरे की घंटी बजा दी है पेशावर ने। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है, क्या शानदार खेल दिखलाया है, क्या बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और इससे जो है लीग में रोमांच आ गया है। देखिए जिस तरह से जो नीचे की दो टीमें हैं, कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जितना घटिया खेल दिखलाया है सीजन में, उससे जो है पेशावर का अच्छा खेल जो है लीग में फिर से रोमांच लेकर के आया है। ऊपर की चारों टीमें काफी तगड़ी हैं, चाहे लाहौर कलंदर्स हो, भले ही आज का मैच हार गई हो, लेकिन बहुत ही तगड़ी टीम है। मुल्तान सुल्तान जबरदस्त टीम है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग के क्या कहने, और पेशावर ने भी जो है आज अपनी बल्लेबाजी से सबका दिल जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई भाई बाबर आजम की टीम को, एक अच्छी हाफ सेंचुरी बाबर ने खुद भी जमाई, और उनके साथ साथ जो है सायम अयूब, काडमोर और हारिस ने भी ठीक ठाक बल्लेबाजी की, और बॉलिंग भी पेशावर की अच्छी रही है। अब मजा आएगा पीएसएल में, पेशावर इज बैक इन द हंट। तो भैया पेशावर जलमी ने उड़ा कर रख दिया लाहौर कलंदर्स को, मेरी फेवरेट टीम है इस टूर्नामेंट में लाहौर कलंदर्स, लेकिन बर्बाद करके रख दिया यार। मतलब लाहौर की खासियत ही बॉलिंग थी, लेकिन पेशावर के बैटर ने जो है लाहौर की बॉलिंग की, बहुत लोग प्रे कर रहे थे, बहुत लोग प्रे कर रहे थे कि आज जो है कम से कम बाबर आजम हार जाए ना तो जम के बुराई करेंगे, ऐसा बहुत सारे यूट्यूबर पाकिस्तान के थे। लेकिन मैं बताऊं सच में यार, हार्ट अटैक अगर इस तरीके के मुकाबले और हो जाए ना, मेरे को तो हार्ट अटैक आ जाएगा भाई, मेरे को